वाहे जुगो जुगो अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार अजमत बख्शिश दोपहर देना पावन दीवाना विच आप समूह संगत हाजरीन हो जो लगातारता दे नाल मुसलसल दीवान चल रहे ने उन्हां विच गुरबाणी पठन पाठन होया गायन होया अजे हुणे व्याख्यान हो रहा सीगा छोटा वीर गुरविंदर सिंह जी वो आप जी नूं सरवण करवा रहे सीगे असीं उन्हां दा दिली धन्नवाद करदे हां। हुण समां बणिया है इसे प्रवाह विच कुछ खाकसार आप जी दे हजूर अपनी हाजरी लवाए सुस बाबत आओ जो सी पिछे तो विचार शुरू कीती सीगी आवन आए सृष्ट में बिन बूझै पशु टोर नानक गुरमुख सो बूझै जाके भाग मथोर उसे नूं ही अगे तुरदे हाँ उहदा कंटीन्यूम करदे हाँ। एक बार आसीस मुजब जितने कि जी हाजिर हो जे मेरी आवाज़ सुन सकते हो तो यक आवाज़ हो के आवाज़ाए फतेह देनी कह देना जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बचन सी बीते कल विचार रहे सी आवन आए सृष्ट में बिन बूझे पशु टोर। मैं क्या इस मुल्क च रह रहे हाँ इस मुबालिक इस खिते च रहिंदे हाँ असी साड़ी पहचान एज ए मनुख नहीं रह गई जैसी सारा देखिए साड़ी पहचान एक सिन नंबर दे तौर पर है एक नंबर है ये आइडेंटिटी है साड़ी उस आइडेंटिटी का कोड जड़ा है वो हैगा साड़ी डेट ऑफ बर्थ। सो इस करके सब नू याद आ मतलब जिन्हें कित एग्जैक्टली नहीं से भी पता उन्हें भी किसी ने किसी तरीके ने बनाई है भी आ बना दो पल एग्जैक्टली तो नहीं पता पर आ डेट ऑफ बर्थ मतलब अकॉर्डिंगली दैट वे इस रूप दे विच वो साडा एक तरह का सिक्योरिटी कोड है लोग अक्सर कहें देख भाई किसी डेट ऑफ बर्थ एवं ना दस्या कर इस रूप दे विच जिहड़ी मौलिक बात कर रहा सीगा बच्चों नाल गल हुंदी तो बच्चों मैं पूछदा कि डू यू नो योर डेट ऑफ बर्थ वो कहें हाँ राइट वे दस देंदे अच्छा डे ऑफ बर्थ राइट वे दस देंदे अच्छा ईयर ऑफ बर्थ होनी सुन लड़ी देर लगनी ठीक है। एक होर क्वेश्चन आ परपज ऑफ बर्थ जीवन का मनोरथ की है दैन दे गैट लिटल बिट एक्चुअली काइंड ऑफ यू कैन से कन्फ्यूज और जस्ट अपने आप दे तो पल्ली सोच दे इहदा की मतलब होया बड़ा सिंपल सवाल आ परपज ऑफ बर्थ जिंदगी का परपज की है। इतों असल साड़ी जिहड़ी अध्यात्म जर्नी शुरू होंदी है ये जीवन जो मैनू मिलिया है ये असल मायने की ने बहुत सिंपल लैवल पर है। आप देखते हो ना बच्चों के कोलों एक वर्ड साडा असीं बहुत ही वारी सुनिया होना आई एम गैटिंग बोर्ड बोर्डम ये इतों के बच्चों का पैट वर्ड आ। माड़ी जी गल होए टीवी चल रहा तो ठीक है टीवी बंद कर दियो आई एम बोर्ड उन्होंने स्क्रीन हैगी उन्होंने कोल देर हैप्पी तुसी स्क्रीन माड़ी जी लामे कर दियो आई एम बोर्ड यही चीज़ वार वार हुई जाती जिंदगी का मतलब कि उन्होंने वास्ते फन जस्ट इंजॉयमेंट नथिंग एल्स जस्ट फन ही सब कुछ है। इतने इस चीज़ पर एम्फेसाइज किया गया तुम देखो किस रूप का कैसा कल्चर है सारे का सारा वड्डे वड्डे एम्यूजमेंट पार्क बने ने साडे उत्थे जो वंडरलैंड या अमेरिका चले जाइए डिजनीलैंड तो होर यहोजियां जगह उत्थे की है बस मतलब वह मंजर है जिन्हों सोचा भी नहीं जा सकता प्यो अद्ध समान दे विच बंदे नूं बन के बिठाया तो उत्तों सीधा ही थले सटिया जाता है किलकारियां वज रही ने चीकां वज रही ने रौला पै रहा है फन फन फन। इत्थे घर दे च मां सवेर तो लगी है उन्हें किचन च सब कुछ बना के रखिया आ तो कहिंदी भी यू नो हुण आके तू खाना खा लै टेबल ते रखिया वह कहिंदे नो इट्स वेरी बोरिंग फूड फूड भी बोरिंग हुंदा हुंदा वेखण नूं जी नहीं करदा इहनूं मां मैं खावांगा किवें आई एम नॉट गोना टेक इट मैं नहीं खावांगा फिर मैनू कितें बाहर लैके जा वो इंजॉयमेंट आ। सो इस सारे रूप में जीवन इस चीज़ को समझ लिया गया कि इसे जीवन लै लिया जाए हुण आ जाओ बाणी दे विच मैं बेनती की आवन आए सृष्ट में धरती ते कुदरत ने ये फाइव एलीमेंट्स जिहड़े सीगे इन्हां नू इवॉल्व कर दिता दिस इज कॉल्ड लाइफ।
पंजां तत्तां नूं उसने एक जगह ते कठियां कर दिता। ते है भी कमाल, देखो पानी दी विरोधता अग करदी है, मतलब मिट्टी दी विरोधता पानी करदा आ। तुसीं देखो विरोधी तत्त ने सारे दे सारे, हवा अग नूं बुझा रही है, इत्थे सारे कट्ठे होए पए इक्को जगह दे उत्ते। मतलब पौण पानी अग्नि का मेल, ये पौने पानी अग्नि का मेल एक किस रूप में होया आ। फिर इहदा कोई एहसास नहीं कि पौने पानी अग्नि का मेल आ। इहदे च एक छोटी जी चीज़ पाई है कुदरत ने, चंचल चपल बुद्ध का खेल, चंचल चपल बुद्धि विच पई है। ओ दुनिया भर का जिहड़ा हैगा मजमा सिर ते चक के तुरी फिरदी है। लोग घरां च बैठे सवेरे डिस्कस कर रहे होंदे ने, पता नहीं मार्स ते जिंदगी कदों शुरू होएगी, पता नहीं चंद्रमा ते कहिंदे ने फलां फलां मुल्क चों पुर गया ते फलां मुल्क ने जाना आ। वो कहिंदे अजकल उत्थे प्लाट कट्टणे ने उन्होंने, इस किस्म दीआं गल्लां हो रहीआं सारीआं। हसलीयत यह है जो ये सारिया गल्लां कर रहा सोच रहा उन्हूं अपने अगले साह का भी नहीं पता। आ तत्त जिहड़े जुड़े ने, ये तत्त जुड़े रहणगे, नो आइडिया। अगले पल ही हो सकता है डिसमेंटल प्रोसैस शुरू हो जाए, जिन्होंने असं डैथ कहने, मौत कहने, एहसास ही नहीं। पर एक कुदरत ने क्या खेड बनाई इस रूप के, ये विचरद्या हो जी चंचल चपल बुद्ध आ उपजा रही है, दौड़ा रही है, नठा रही है। वो कह रही है बस फन इज़ अ लाइफ, यही जिंदगी है। एक छोटी जी बात ऐड कर देना दे नाल, मैनू कुछ साल पहलां दी गल आ, मैं साढ़े उत्थे शैडन कॉलेज आ, तो उत्थे उन्होंने एक पैनल डिस्कशन रखी सी। मैनू नहीं सी एहसास, मैं मोस्टली नहीं जाता उन्हां दे विच, वक्रे वक्रे धर्मां दे आगू सद्दे सी ते उन्हां तों बहस करवा रहे सीगे। मैं उहदा कदी पार्ट पार्सल बनना नहीं चाहिया, मैं कौन हुंदा किसी की धर्म की आस्था नूं वैलूवेट करा, सिक्खी दा आशा ही नहीं गा। मैनू नहीं सिखाया गुरु बाबा जी ने, मैं किसी नूं कहा तेरा धर्म बहुत छोटा है, मेरा धर्म वड्डा, हद होगी, मैं तो सिख ही नहीं। फिर सिख दा ते मायना यह है कि कोई बोलै राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसाइया, कोई अलाय, डायवर्सिटी जी है इनू एक्सैप्ट करना। इतनी एक बात रोक, एक बात होर ऐड कर देना, ये भी मेरे जिंदगी दे अपने जिवें विचरदे हो एक्सपीरियंस तजर्बे तुसीं हासिल करदे हो सारे। मैनू एक ना प्रिजन सैटिंग दे च बहुत साल पहलां दी गल है, कोई शख्स नाल लैके गया, एक्चुअली वो उन्हां दा धार्मिक बंदा सीगा, मतलब इस तरह कह लो जिवें साढ़े गुरुद्वार साहब ग्रंथी ने उत्थे उन्हां दे धर्म मंदिर दे विच जिहनूं चर्च कहिंदे आ, उह चर्च दा बिशप सीगा। तो वह मैनू नाल लैके गया, तो कोई स्पैशल केस सीगा ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, तो उसदे च कोई इनकुआरी चल रही थी, तो उसदे च मैनू इनवॉल्व किया उन्होंने। खैर साड़ी बड़ी लंगी लंबी ड्राइव है, तुसीं दोनों जने कार च, एक बॉक्स ही छोटा जिहा, तो हुण बॉक्स च दो बंदे बैठे की करनगे, गल्लां ही करनगे। हुण गल्लां मौसम दीआं किन्नी देर करनगे, भी मौसम बड़ा वधिया, वैदर इज़ टू वरेली गुड, है ना। फैमिली बारे किन्नी बारी किन्ना चिर बोलांगे, भी किन्ने बच्चे तेरे, मैं व्याया, मैं फलां साल च आया, इस तरीके मेरी पढ़ाई हुई है तो धार्मिक आगू हाँ दोवें, अखीर गल कित्थे आ के मुकेगी, धर्म ते। यू नो जिहड़ा गलबात दा असल टॉपिक है वह तो धर्म ही शुरू होएगा, बाकी तो सारिया उपरिया गल्लां असीं कर लईआं कोई 20-25-30 मिनट। फिर जी गल आ गई धर्म के उत्ते, हुण धर्म ते गल आई, तो बहुत बहुत सियाणा इंसान सीगा, बहुत ही हाईली एजुकेटड, बहुत पढ़िया लिखा, बहुत सियाणा। मैनू कहिंदा कहिंदे तूं माइंड नहीं करदा, तो तैनू कुछ मैं परसनल जे सवाल पुछ लवां। मैं क्या माइंड करने वाली गल ही कुछ नहीं है, एज लोंग एज योर वर्ड्स आर गुड and you are showing some sort of, you are curious to learn something from me, I'm happy to answer. Jinni der tak tere lafzaan de vich mere prati koi kise kisam di naradri nahi, mere jeevan jeen de dhang bare koi naradri nahi, mainu koi itraaz nahi, puch kyon, main bada badi khushi hoegi mainu. Oh kehnda achha, mainu eh dassenga ki tusi, tu dharm nu manna dharmi banda aa, तो गैर धर्मी लोग भी आले दुआले रेंदे ने जिहड़े तेरे धर्म नूं नहीं मनदे, कई बार तेरे गुरुद्वारा साहब भी आ जाते होणगे, तेरी नेबरहुड च भी रेंदे होणगे, तैनूं मिलदे भी होणगे। अच्छा मैनूं दसेगा तू उन्हां नूं टॉलरेट किवें करदा आ, जस्ट बाहरों, मतलब उन्हां नूं बर्दाश्त करना भी बाहरों, मतलब मूँह मां बदल के भी चलो कोई ना इस रूप दे विच, या एग्जैक्टली तू मतलब तेरे च इन्नी टॉलरेंस हैगी कि तू टॉलरेट करन वास्ते उस रूप दे विच जिहड़ा आ अंदर तेरे तैयारी है, भी तेनों कोई किसी वेख के माथे तेरे वट नहीं पैंदे भी लै आ कितों आ गया, दस सवेरे सवेरे आ कि इनू वेखना सी सवेरे सवेरे आ, इस रूप तेरे अंदर चलती गल सारी। जो तूने सवाल पूछया मैनू हासा आ गया, मैं हस पिया, तो मैं क्या कहिंदा भी तू हसन रहा, मैं क्या भी गल है भी माफ़ी चाहाँगा, मैनू ना पहला तो तेरे सवाल दे एक लफज़ से इतराज़ है, जिहड़ा लफज़ कहा तू टॉलरेट,
मैं क्या बड़ा नैगेटिव लफ्ज़ आ, किसी टॉलरेट करना घर में हो ना गल, तुम आम घर कहें इस रूप के सपोज करो तुहाडा बच्चा तुहानू ये कहे भी मैं ना तुहानू बर्दाश्त कर रहा, तुहाडे एकदम खून पानी बन जाएगा भी हादी होई पई है आ की कहता तू, या तुसी कहो अपने बच्चे नू भी बस तेनू बड़ा बर्दाश्त कर लिया, ओ माई गुडनैस गड़बड़ हो गई, ये तो बड़ी बहुत बहुत गलत गल हो गई। इस चीज़ नू आम करके कहा जाता कि टॉलरेंस वधाओ, अपनी बर्दाश्त की शक्ति वधाओ, यू नो सोसाइटी जी इनटॉलरेंस हो चली ये बर्दाश्त का मादा घटिया घटी घटी जा रहा है। मैं क्या मैं माफ़ी चाहागा, पहला तो तेरा लफज़ ठीक नहीं गा, ये लफज़ इट इस करके इनअपरोप्रिएट लग रहा है मैनू कि बीइंग ए सिख जो मैनू मेरे विरासत ने मेरे गुरु बाबे ने मैनू सिखाया है वो मुताबक जे मैं असी दोनों कार च जा रहे हैं तो मैं तेनों टॉलरेट कर रहा, ये मैं इस रूप दे विच कर रहा वा ना मैं जो मर्जी हो मैं सिख कलेम नहीं कर सकता अपने आप को, सिख कलेम करने वास्ते टॉलरेंस इज नॉट एनफ, दैट्स नॉट सफिशियंट, फिर की होना चाहिए, आई हैव टू हैव रिस्पैक्ट फॉर यू, मेरे मन में तेरे लिए इज्जत होनी चाहिए, जे मेरे मन च तेरे लिए इज्जत नहीं मैं होर जो मर्जी कह लव मैं सिख नहीं। इतों बात शुरू होती है, सानू एक दूजे नू टॉलरेट करन दी लोड़ नहीं, रिस्पैक्ट करन दी लोड़ है। पर रिस्पैक्ट एक ऐसी चीज़ आ जिहड़ी कागज़ दी नहीं बनती, कागज़ दे फुल बन जांदे ना कई वारी असीं देखदे आ तो बिल्कुल दूजे फुलां वर्गी लगदे ने, पर हाँ थोड़ा जिहा तुसीं छू के वेखो तो राइट पर पता लग जांदा ने कागजी फुल ने, सही नहीं हैगे एग्जैक्टली। जिहड़ी बनावटी रिस्पैक्ट आ ना इह वक्ती तौर ते थोड़ी बहुती बनदी दिसदी है, पर थोड़ा जिहा गहरा जाए तो पता लग जांदा कोई रिस्पैक्ट नहीं गी। रिस्पैक्ट पता कित्थों जन्म लैंदी है, प्यार तो, लव, वी टोटली फॉरगेट हाउ टू लव ईच अदर। इस समाज के असी एक दूजे को स्नेह किवें करना है, एक दूजे को उस रूप में स्नेह किवें वंडना है, आ मुश्किल बन गई है। इस करके वर्ड साढ़े आ रहे ने टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, सानू रिस्पैक्ट करनी चाहिए एक दूजे की। तू थोड़ी दूर जाके मैनू कहें मेरी मजहब की प्रैक्टिस के मुताबिक मैनू बाहर निकल के प्रेयर करनी पैनी है तो मैं गड्डी खड़ी कर लवा, तो मैं कहाँ भी चलो कोई ना हो तो लेट रहे हैं पर चलो कोई ना कर ला, नॉट एट ऑल। मैनू चाहिए मेरे वीर प्लीज़ जरूर लै ब्रेक, ये बहुत वधिया गल आ, मैनू खुशी होए इतों बात बने। सिखी आशे दे विच तुसी देखो चीज़ां नू किस रूप में एक्सरसाइज होंदियां, ये सिर्फ कहण दियां गल्लां नहीं, कोई बोला राम राम कोई खुदाए, बीइंग ए सिख साडे लई की आशा आ, अक्सर टाइम टू टाइम एक्सरसाइज होंगी। आ कुछ चार पाँच साल पहले ही अकाल तख्त साहब से कुछ मुसलमान वीर आए थे तो उन्होंने बकायदा तौर पर एक पास कनात ला के नमाज पढ़ने लिए थान दी सी, पढ़ो इतने नमाज की इतराज़ है, इतिहास पढ़ते हैं असी, साढ़े को अज भी बटाले गुरु की मसीत आ, सिख मतलब वर्ल्ड हैरीटेज का उन्होंने खिताब मिलया आ। गुरु हरगोबिंद साहब की फौज के एक वड्डी नफरी मुसलमान फौजियों की सी, पेंदे खाला प्रसंग सारे ने कई कई बार सुने, उत्थे ही कुछ मुसलमान आ गए जिन्हें क्या गुरु महाराज तुसी कहिंदे हो संगती रूप में इबादत करनी चाहिए है, आ संगती इबादत है जिते तुसी बैठे हो सारे दे सारे, तो साडा भी चित करदा है कदी बैठ के संगती जिहड़ी है नमाज अदा की जाए उस रूप में कलावत की जाए, तो महाराज कहिंदे रोकिया किन्ने करो, कहन लगे जी रोकिया गरीबी ने, जमीन तो है पर जमीन तो उसारी वास्ते इमारत बनाउण लई सरमाया नहीं है, मसीत बनाउण लई सरमाया नहीं है, गुरु हरगोबिंद साहब दी गोलक विचों पैसे गए, महाराज कहिंदा चको सरमाया मसीत बनाओ जाके, गुरु की मसीत बनी। ये सिक्खी दी एक्सरसाइज आ, ये कोई कहानियां नहीं कि कोई फिल्मी स्टोरी चल रही है उस रूप दे विच, ये रियलिटी है। खैर जिहड़ी मैं बेनती कर रहा सीगा वह सज्जन मैनूं पुछदा तुसीं टॉलरेट किवें करदे इक दूजे नूं, मैं क्या ना 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 जिद्दन ये सोचण लग गए ना भी टॉलरेट कर रहे हैं टॉलरेट करना हैगा, उदन सिख होने का मायना खत्म हो जाएगा। सिख होने का मायना है कि एक दूसरे की इज्जत माण रिस्पैक्ट उन्होंने उस लैवल पर रखना। ये चीज़ गुरु बाबा जी ने सिखाई। इतिहास एक वेरवा दे देना छोटा जा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल हमर काबरिया बहादुर शाह औरंगजेब का पुत सीगा, गद्दी ते गुरु महाराज की जिहड़ी फौजी टुकड़ी भेजी सी उसकी मदद नाल गद्दी ते बैठा सीगा, इन्हें गुरु महाराज को बड़ी इज्जत माण नाल अपने आगरे महल जाना किया, बड़ा मतलब आप प्रसंग शायद जानते होवोगे
गुरु साहब आगरे तो 5 मील पिछे सीगे, 5 मील अगे लैण वास्ते आया सीगा, फिर आप लैके गया सी ऑल द वे। जिवें एक मतलब कोई वड्डा शाहे शहनशाह हुंदा है तो उस शहनशाह नूं एक छोटा शहनशाह अगों एक्सैप्ट करता, स्वीकारदा, उहदी मतलब कह लो कि उहदी वड्याई नूं उह एहतराम करदा, मैं मनदा उस रूप दे विच। फिर उस रूप दे विच जिवें बादशाह आपस विच मिलदे ने, गुरु साहब नूं ने अपने कोलों चोगा सिली टोपी ते सारा कुछ दिता सीगा। और रवायत यह सीगी मुगलिया हुकमराना दी कि जे किसी नूं इस तरीके नाल शाही सन्मान दिता जांदा सी, चोला दिता जांदा सी, उह कपड़े वगैरह दिते जांदे सी, उह सामणे ही पाउंदा सी उत्थे खड़ा होके, उत्थी उह पा के ते फिर उह जिहड़ा हैगा उह काफले दा हिस्सा बणदा सीगा। गुरु साहब ने हथ धर के स्वीकार ले, सिखां नूं फड़ा ते पाए भी नहीं, महाराज ने पाए भी नहीं उह कपड़े। उत्थे बड़ी चर्चा भी हुई, उहदे मौलवी मुलाणे सी, उहनां बड़ा मूँह वट वटिया भी हद हो गई, दसो ये मतलब तूं इन्ना वड्डा सत्कार कीता, उहने बस्तर भी नहीं स्वीकारे इस रूप दे च। ते उह कहिंदा है ये दुनिया दा बादशाह नहीं गा, दीन दुनी दा बादशाह है, इस नूं कह के कुछ नहीं करवाया जा सकता, जो करदा अपनी मर्जी नाल करदा है, इहदे सामने सिर्फ सिजदा हुंदा है। असीं बचन पढ़दे हां बाणी दे विच, जिस ठाकुर स्यों नाहे चारा तां को कीजै सद नमस्कार, उहदे सामने सिजदा हुंदा है। ये अध्यात्मी रूहानी लोग ने, ये मुर्शदे कामल ने, इन्हां नूं सिजदे कीते जांदे ने। खैर उस समय फिर गुरु महाराज नाल चले, वो सारा फिर जिहड़ी लिखत पढ़त हुई जिहड़ी सारी पंजाब दे बाबत, जो कि उहदे तो उहदे वसों बाहर हो गया सी। जिवें जिहड़ी नफरत है ना, ये एक अग की तरह आ, ते अग नूं इस तरह जाणो, अग बड़ी कम की चीज़ हुंदी है, पर अग कम की चीज़ उन्नी देर ही हुंदी जिन्नी देर कंट्रोल च है। चुल्हे च अग है ना बहुत वधिया, पूरी एंड रोटियां पकाओ लाओ उत्थे सब कुछ करो, तो फिर बंदा सोचे भी ये अग तो वधिया रोटियां पकाने के काम आ रही है, तो आप थोड़ी होर वधा लैने, फिर की हुंदा फिर थोड़ी होर वधा लेंदे, फिर वधदे वधदे एक समय ऐसा आउंदा फिर सारे नूं फैल जांदा। नफरत यह है, जदों नफरत आउट ऑफ कंट्रोल हुंदी ना, फिर हालत जिहड़ी बनदी साढ़े उस खिते की हालत देखो, हुण लगता ही सीगा भी लै 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 असी तो हुण ड्रामा लोगों ड्रावांगे भी जे तुसी साडी गल ना मन्नी तो असी देखो आ जिहड़ा ना कट्टड़ता वाला जिन ये बाहर कढ़ देना बोतल दे विच बंद आ, बस तुसी क्या नहीं असी भीड़ लै आउणी है, असी जिहड़ी है मॉब लिंचिंग करा देंगे, असी सारा कुछ करा देंगे कहिंदे रहे, अल्टीमेटली करदिआं करदिआं कितें बोतल का ढक्कण खुल गया, हुण जिन बाहर आ गया, हुण दुनिया की कोई ताकत नहीं उस जिन नूं फड़ के दुबारा बोतल च पा दे, हुण जिन नचेगा। ये रियलिटी है, ये कोई शक वाली शक शुबे वाली गल नहीं है, एग्जैक्टली उही वृत्ति है जिहड़ी कदी औरंगजेब वर्गिया ने कीती सी, उन्हें इतनी नफरत फैला दी थी, इतनी कट्टड़ता, इतना लोगों नूं मारना, सब क्या बस इको मेरा धर्म ते मेरा मजहब यही सब कुछ है, बाकी सब जिहड़ा मलिया मेट हो जाना चाहिए, नफरत की ऐसी हनेरी लियांदी। हुण उस हनेरी दे विच आखिरकार सब कुछ ही रुड़ गया, आप मरिया मगरों मुंडे देखो तुसी खानदान का की हाल होया, मतलब 1710 दे नेड़े उस तो बाद जो फर्क सीर बैठदा आ जिहड़ी हालत शुरू हुंदी है, मतलब 1720-22 जांदियां तक तो अद्धे तो वध खानदान एक दूजे नूं मार मार के मर जांदा, ये सारी हालत बनदी। फिर जिहड़ी हालत उस तो बाद लगातार चलदी ते बहादुर शाह जफर तक जिहदी सारी औलाद दिल्ली च कट्टी जांदी, मुड़ के जलाहे वतन हुंदा ऑल द वे जिहड़ा हैगा समुंदर दे कंडे रकून आके उत्थे उस रूप च मरदा, ये सारा ये बीज बीजे। खैर तन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वह सुलह कुल की बात होंदी, वह कहिंदे ना असी शांति दे पुंजिया साडा काम शांति स्थापित करना, किसी हरबे किसी तरीके किसी जरिए नाल होए, हम रकाब रहे बहादुर शाह दे, ते बहादुर शाह डेफिनेटली राजे दा पुत्र है, सियासत ते आउंदी, उहनूं राजनीति थोड़ी बहुती आउंदी है, भावें उहदी बाहर पेश नहीं जा रही, ते गुरु महाराज नूं किते किते उह चैक भी करदा रहा थोड़ा बहुता। जिहड़ी मैं टूक मात्र बयान कर रहा सी उह क्वेश्चन जिहड़ा मेरे नाल बैठा मेरा कुलीग पुछ रहा है भी तुसीं टॉलरेट किवें करदे हो, उहदे तों मैं जवाब दिंदिआं तुहानूं मिसाल दे रहा सीगा। ते उत्थे हुंदा ए एक समा ऐसा बनता नांदेड़ दे विच आ के बहादुर शाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कोल बैठा आ, ते मलकड़े जे उहने एक सवाल पुछिआ महाराज नूं, कहिंदा कि मेरा एक सवाल आ गुरु साहब, ते महाराज तुसीं जे मतलब गिला ना करो तो मैं सवाल पूछ सकदा। महाराज बयान करदे बहादुर शाह सवाल तो तू लगातार पूछ रहे हैं, हुण ये सवाल नहीं तेरे मन की कोई हरारत आ, कोई गल नहीं तू कह जो मन च आया उहनूं कह देना चाहिए, कह तू। कहन लगा पातशाह गल ये है
कि मैं तुहाडे ते पुछना चाहुंदा वा कि तुहाडा सिख धर्म आ, मैं मुसलमान आ, है ना। तो मैं पुछना सीगा कि धर्म किहड़ा वड्डा आ, तुहाडा धर्म वड्डा आ कि मेरा धर्म वड्डा आ, इन्ना कु पुछना सी। हुण इहदा देखो बात की है, बात यह है भी जे तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ये कहेंदे बिल्कुल मेरा धर्म वड्डा आ, तो फिर उन्हें राइट वे कहना सीगा भी महाराज यही गल मेरा प्यो कह रहा सीगा, फर्क की होया फिर। सेम थिंग माई फादर वॉज सेइंग, माई रिलीजियस प्रैक्टिस इज एक्चुअली सुपीरियर दैन अदरस, फिर तो गल सेम हो गई। जे महाराज ये कहेंदे भी नहीं बहादुर शाह तेरा धर्म बहुत आला बड़ा वधिया, तो फिर मलकड़े जे हाथ जोड़ के कह देगा महाराज फिर आ जाओ ना गया, फिर कहदी गल है फिर जिहड़ी चंगी चीज़ है क्यों क्यों छड़नी चाहिए है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सामने बैठे जो ने कहा महाराज धर्म तुहाडा वड्डा है कि मेरा वड्डा आ, तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज मुस्कुरा के कहन लगे बहादुर शाह मैं समझ रहा तू कितों सवाल पूछ रहा, गल सुन ध्यान दे नाल, सच है धर्मां नूं तकड़ी ते पा के नहीं तोलिया जाता, बाकी गल रह गई वड्डे छोटे दी, ये इंसानी कर्म हुंदे ने, इंसान धर्म नाल नहीं कर्म नाल परखिया जांदा है। बाकी तू अगली गल पुछदा है भी धर्म, मैं तैनू दस दिना तुमको तुम्हारा खूब हमको हमारा खूब, तेरे वास्ते तेरा बाखूब आ, अपने आप नू बाखूब बना के रखी, मेरे लिए मेरा बाखूब आ, मैं अपना बाखूब बना के रखांगा। ये सिखी है जी, इत गुरु बाबा जी ने कहा तू मुसलमान बनना ज्यों सदके बन, 10 वरी बन, 50 वरी बन, पर चेते रखी मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए तो मुसलमान कहावे अव्वल औल दीन कर मीठा मुश्किल माना माल मुसावे, बड़ा औखा मुसलमान बनना। मुसलमान मोम दिल होवे, बिल्कुल उहदा दिल मोम वर्गा होए, माड़ा जे किसी की पीड़ा किसी का दुख होए ना तो राइट वे बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाए। साडे घर बैठे ने मुसलमान बाबा फरीद जी, तुसी देखो कैसा दिल आ, एक फिक्का ना गल आए सबना मैं सच्चा धनी। किसी ने कहा किसी का दिल, कहिंदे ना 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 ना, किसी का दिल माड़ा जिहा भी नहीं तोड़ना, किसी के जज्बात नूं माड़ी जी चोट भी नहीं लाउणी, क्यों? क्योंकि किसी का दिल नहीं रब का घर आ, किवें तोड़ देंगा, मोम दिल होवे आ प्रवृत्ति है। खैर जिहड़ी बेनती कर रहा सीगा वो सज्जन गैर सिख आ, मेरे तो पुछदा बीइंग ए सिख तू गैर धर्म वाले बारे की सोचदा है, मैं क्या मैं वो सोचांगा जो मेरे गुरु ने सिखाया, तो गुरु ने आ सिखाया, तेरा तेनू खूब आ, तू उसनू प्रैक्टिस कर एक्सरसाइज कर, मैं अपनी एक्सरसाइज करा। टॉलरेट करना ये कोई वर्ड नहीं, सानू इज्जत करनी चाहिए एक दूजे की, सानू प्यार करना चाहिए, सानू स्नेह करना चाहिए। एक चीज़ होर छोटी जी बेनती कर देना, मैं जिवें जेलों च मेरा काम हुंदा ज़्यादा, तो उत्थे अक्सर हुंदा कि साढ़े कोल ज़्यादातर असी सिख ग्रुप्स जिहड़े ने वो रन करते हैं, तो कई बार गैर सिख भी साढ़े ग्रुप च पार्टीसपेट करते हैं, ज़्यादातर करते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं सानू ग्रुप च पार्टीसपेशन मिले, उन्होंने प्रोग्राम चंगा लगता है साडा, कोई एंगर मैनेजमेंट बाबत है, कोई एडिक्शन बारे नशिया तो बचने वास्ते है, इस तरीके दे नाल। तो कई बार इस तरीके की गल होंदी, तो मैं याद आ मैंने एक बार एक स्टाफ मैंबर ने पूछा भी ये मुंडा हुण तुहाडे ग्रुप च आउंदा है तो गोरा आ, मतलब क्रिश्चन बैकग्राउंड चो आ रहा है, सो नाउ यू गोना कन्वर्ट हिम इज़ इट राइट, भी तू इन हुण कन्वर्ट करेंगा, इहदा धर्म तब्दील करेंगा, है ना, यही करेंगा ना। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या सच है मैं इहदी कन्वर्जन वास्ते नहीं इत्थे आया, फिर मैं क्या हाँ इहदी ट्रांसफॉर्मेशन जरूर करांगा, मैं इस नूं क्रोधी तो मतलब शांत चित बनने च मदद करांगा, ये मेरी जॉब है, इस नूं वकारी तो एक परोपकारी इंसान बनने वास्ते मदद करांगा, ये मेरी जॉब है, मैं इहदी ट्रांसफॉर्मेशन वास्ते इहदी कन्वर्जन वास्ते नहीं आएगा। ये तो अपना निजी राय है किसी की, अपने इष्ट नूं उहने किवें धारण करना है, अपने रब नूं उहने गॉड कहना आ, उहने अल्लाह कहना आ, उहने मौला कहना आ, उहने वाहिगुरु कहना आ, उहने कुछ होर कहना आ, ये उहदी है, उहनूं मैं क्यों दसांगा इस रूप दे विच। चीज़ां मतलब जिस सोसाइटी च असीं रह रहे हां ना, बच्चियां दे बाबत एक ते बहुता डरिया ना करो, वाहिगुरु ते भरोसा रखो, कुछ नहीं हुंदा, कोई ये मतलब एक कच दा समान नहीं जिहड़ा टुट के डिग टुट जाएगा, डिग के टुट जाएगा ना ना, बी कॉन्फिडेंट, अपने आपे ते विश्वास रखो, गुरु ते भरोसा रखो, वाहिगुरु ते भरोसा रखो। चीज़ां हुंदियां बहुत सारियां इस रूप दे अंदर, इसनूं मैं
एक होर मिसाली तौर पर बात कर देना क्योंकि बात लंबी हो जाएगी इनते आवन आए सृष्ट मैं बात उत्थे वापस आ रहे थे पैनल डिस्कशन हुई शेरिडन कॉलेज तो मैं गल कर लगा थोड़े नाल गुरबाणी के कुछ हवाले दे के टूक मात्र बयान जी करता कि उस हों कि असी गाहे बगाहे चीज़ां नू कई लैवल ते सोसाइटी विचरदिया होया महसूस करते इत्थे अजकल बच्चे इंटरफेथ मैरिजिज बहुत जाते हैं मतलब आ धर्म नू मनन वाला दूजे धर्म के मनन वाले ने विआह करा लैंदा ये चीज़ां हुंदियां उहदे ते भी असी बहुत सारा काम किया देखिया आ कि विआह मॉडल दे की कुछ हो रहा सारा इंटरफेथ मैरिजिज का असी रेशो भी इकट्ठी की है स्टडी करके बकायदा तौर पर भी ए इन्ह विआहां का अंत की हुंदा किस रूप दे विच असी बच्चों नू हुण तो बंद ने साडिया पर कुछ समा असी क्लासेस भी लगाते रहे बच्चों दी उन्होंने समझाने वास्ते कि डेट कर दौ किसी मतलब वो मायने की ने सारे उस रूप के खैर जी बिनती कर लगा सीगा मेरी अपनी प्रोफेसर मैनू पढ़ाउंदी ते उन्हें पता कि रिलीजियस प्रीचर हैगा सिक्खी का प्रचार करने वाला बंदा तो साडी वीकेंड की क्लास आ क्लास साडी डन हुई तो शाम को सारे भज रहे जल्दी जल्दी भी सारा दिन क्लास लाई चलीए मैं भी समान अपना पैक कर रहा फटाफट निकल रहा तो वह मैनू कहें भी गुलजार इफ यू डोंट माइंड कैन ई टॉक टू यू मैं क्या प्रोफेसर वाई नॉट प्लीज़ तो वह कहें भी गल है भी इट वुड बी वेरी परसनल टॉक सो यू आर गिविंग मी यूर कॉन्स जोड़ा है कंसेंट दे रहे हैं तू मैनू क्योंकि इजाजत तो बिना असी अपने सिलेबस तो बिना होर गल नहीं कर सकते मैं क्या प्रोफेसर विदाउट एनी हैजीटेशन तो तेन कोई ऐसी गल नहीं है कहें फिर दो पल ही बैठ इतने हूँ अपनी गल दस दी वो कहें मैं तो मेरा हसबेंड असी अराउंड 12 साल तो एक दूजे को जानते हैं इन्ना क हैगा 10 साल साढ़े विआह हो गए हैं लाइफ इज़ गोइंग वेरी स्मूथ वेरी वैल कोई उदी दिक्कत नहीं है मैं एक कैथलिक फैमिली वड्डी पली हुई हाँ ईसाइयत मनन वाली क्रिश्चन फैमिली मेरा हसबेंड वो जूडिज़म विचों आया ज्यू है बड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली दे विचों साढ़े दोनों के बिलीव बिल्कुल डिफरेंट उस रूप दे विच असी लंबे समय तो जानते एक दूजे एक जगह पर पढ़े एक जगह पर पढ़ाने लग गए तो विआह हो गया जिंदगी बड़ी समूह चल रही साढ़ा 9 साल का बच्चा बेटी है मेरी एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी समूथ अंटिल लास्ट मंथ क्योंकि असी जो विआह किया उस तो बाद असी ये राय लगाई कि असी कोई धार्मिक त्यौहार नहीं मनावांगे ना मेरे धर्म का ना वो धर्म का हाँ जे कोई इस रूप में सानू बुलाएगा असी जावांगे जिहड़ी रिलीजियस एक्सरसाइज है बहुत ही साडी हाउस होल्ड च नहीं होएगी चीज़ां चलदियां रहियां बड़ियां समूथ चलियां बट लास्ट मंथ मेरी धी ने मेरी डॉटर ने जिहड़ी 9 साल की हो गई है उन्हें मैनूं एक सवाल पुछिया आ सवाल यह है कि मॉम यू आर कैथलिक डैड इज ज्यू Who am I? मैं कौन हाँ कहिंदी दैट वॉज हार्ट ब्रेकिंग कहिंदी मिस्टर सिंह कैन यू हैल्प मी हाउ कैन आई आंसर इट तू तो सोसाइटी विचरदा है देखो समाजा दे जो विचरते हैं ना आप मैं इस करके कहना कई बार बच्चे मैनू कहणगे गुरुद्वारे की है कद ले जाना गुरुद्वारे नथिंग मैं क्या जरूर जाया करो जाके लर्न कराया करो ओपन माइंडड होवो पढ़ो समझो एहसासो ये चीज़ा ये समाज सीखने वास्ते है सीख के कोई चीज़ एक्सरसाइज करोगे हुण बात हुई वो कहिंदी भी मैनू दसेंगा मिस्टर सिंह व्हाट शुड आई आंसर मैनू की जवाब देना चाहिदा है खैर गल तो बड़ी लंबी चौड़ी मैं टूक मात्र जिहड़ी बयान कर लगा मैं क्या गल ये है कि जो तू मेरे तो पुछदी है तो तू ना सिखी की प्रैक्टिस कर वो कहीं दी तू एक होर धर्म लै है विच आई एम ऑलरेडी स्टक विद टू रिलीजन यू आर सेइंग मी वन मोर व्हाट काइंड ऑफ परसन आर यू मैं हस पिया मैं क्या नॉट दैट लैवल मैं क्या मतलब ये है एक दूसरे तुसी जानदे हो सब कुछ करदे हो हुण एक कम कर जिवें इस मुल्क च रहिंदे आ बच्चों असीं मल्टीपल लैंग्वेज पढ़ाउंदे आ इतने बच्चे फ्रेंच पढ़ते हैं इंग्लिश पढ़ते हैं दो तो ऑफिशियल लैंग्वेज ने पक्या पढ़निया पनिया जड़िया कह लो ट्रडिशनल लैंग्वेज ने जड़िया उन्हें हैरीटेज ने वो भी पढ़ते हैं जिमें पंजाबी पढ़ाने कई मतलब एक हैरीटेज दो दो तीन तीन भाषावान ने जिमें साढ़े लोग जो कुछ शहरी तबके चो आए हैं वो हिंदी देवानागरी भी बोलते हिंदी भी बोलते वो भी पढ़ा देंगे वो भी बोलते बच्चे
ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਰਦੂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਰਮਨ ਰਹੇ, ਜਰਮਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਟਲੀ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਆ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ 6-6, 7-7 ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰਿਪੇਖ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਜੂਡੀਜ਼ਮ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਚੋਇਸ ਉਹ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਨਵਰਜਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓਂ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਕੱਚੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੱਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ, ਭਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਹਲੂਲਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਛਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਆਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਆ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ, ਰੱਬ ਦੀ ਲੋਹ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਆ। ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਹਾਓ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਏਥੀਅਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ। ਏਥੀਅਸ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਖੈਰ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਉਹ ਸਟੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੈਸਿਵ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈਟ ਦਾ ਮੈਂ ਚਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਟੱਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਇੰਟਰਵੀਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਬੂਝੇ ਜਾਂ ਕੇ ਭਾਗ ਮਥੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕੀਦਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹੈਵਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਖੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਓਕੇ ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਅਸ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਬੱਚੇ ਠੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਪਿਆ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ ਯੂ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਲਾਈਨਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਲਾਈਨਸ ਇਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹੱਸਣ ਦਿਆਂ ਖੇਲਣ ਦਿਆਂ ਪਹਿਨਣ ਦਿਆਂ ਖਾਵਣ ਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰਪਜ਼ ਹੈ ਹੱਸਣਾ, ਖਾਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ, ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਪਰਪਜ਼ ਆ। ਉੱਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੂਬ ਹੱਸੋ, ਖੇਡੋ, ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇਗੀ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਠੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਚ ਐਵੇਂ ਅਪਣਾਈ,
कबीर गर्भ ना कीजियो हंस न रंक ना हसियो कोए अजो सुनाओ समुद्र में क्या जाना क्या होए कबीर गर्भ ना कीजिए रंक ना हसियो कोए किसी गरीब नू वेख के ना तो गरीब सिर्फ पैसे का नहीं हुंदा सब तो वड्डा गरीब धरती ते पता कौन हुंदा जिहड़ा अकल का गरीब इहदी पहचान कित्थों आउंदी है जो तुरदा जीवन दे विच जीवन च कदम पुटदा मतलब जीवन च विचरदा ठोकरा खांदा जो ठोकर वजदी डिगदा लोकी ठट्ठा करदे हसदे अजकल तो सोशल मीडिया का दौर आ लोकी वीडियो बनाउंदे पाउंदे आ देखो की हो रहा आ देखो कि लोकी हसदे ठट्ठा करदे बाबा जी ने कहा हसी ना कदी ना हसी ये हासे नहीं ये रोणियां तो भैड़े नहीं गए है कि नहीं जाच देखो सिख जी तू जीवन जी तेनू किसे नहीं रोकिया खुल के हस पर चेते रख ये हसना किसे दे रोण ते नहीं गा किसे दे हंजुआ ते नहीं गा ना 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 हसन दया खेलन दया खेलन दया जिंदगी खेड है इस खेड नू चंगी तरह खेडो पर हाँ दुनिया की कोई भी खेड आ वो किसे असूल नाल चलती है रूल तोड़ के नहीं चलती तो रूल रूल सारे इको जे होंगे जे जिंदगी की खेड आ ये रूल ना तोड़ी ये रूल एथिक्स ने जिंदगी दे बहुत साधारण चीज़ां रूप दे विच सपोज मैं स्टेज पर बैठा वहाँ तुहाडे सामने बोल रहा कोई मैनू आ के घूर के वेखे कोई मैनू माड़ा बोले तो मैनू गुस्सा लगेगा लगेगा ना ये नॉर्मल आ मैंटल हैल्थ किसी गल करा पूरी व्याख्या करा यदि टूक मात्र अच्छा मैनू गुस्सा लगेगा जे कि मैं एवें दूजे करा उन्होंने भी गुस्सा लगेगा मेरे वर्गा ही वो है इतों जिंदगी की खेड ठीक होंगी है मैं किसी नूं बुरा कहां किसी वास्ते बुरा करा किसी के बुरियाई दे विच पेश आवां ते मेरे नाल कोई ना आवे ये खेड ठीक नहीं खेड मन के चल गुरु बाबा जी औरंगजेब जो गल करते ना तो यही गल समझ आते भी देख तू एक स्टैंडर्ड सैट किया अपने बाप की छाती ते पैर रख के गद्दी ते बैठा है हुण यही खेड अगे चले तेरा पुत तेरी छाती ते पैर रख के गद्दी ते बैठे हाउ यू गोना फील एवें नहीं मरिया उन्हें पता लगा तो बीज ही बड़ा गलत बीज लिया इहदा फल ते नहीं खादा जाना आते मुश्किल हो गई जिन्ना पुत्तां नूं तू प्यार नाल पालिया मत्थे चुम चुम के कल नूं यही पुत तेरे एक दा सिर वड के दूसरा तेनू लिया के पेश करे हाउ यू गोना फील आ रूप आ जिंदगी दी खेड आ इहदे विच रूंडी नहीं पीणी इहदे विच असूल नहीं तोलने तोड़ने ये असूल फॉलो करने ने आ परपज आ इस परपज नू सर्व करन वास्ते जिन्हें मदद करनी है दैट इज कॉल्ड रिलीजन उन्हों धर्म कहा जाता है जदों उदी वो मदद करता वो सिखाउंदा सानू हसना किवें है जिंदगी दे विच खेडना किवें है हसन दिया खेलन दिया पहनन दिया खावन दिया पाना खाना किन्ने रोके आप चंगा पाण तो चंगा खाण तो तू पा खा मैं तो कई बार बेनती करदा अपने तन ते हंडाला है 10,000 का लिबास भी हंडाला है कि जे अफोर्ड करदा गो हैड पर चेते रख अपने तन ते पाया होया 10,000 का लिबास पर तेरे ही आले दुआले कुछ लोग तन तो नंगे तुरे फिरते ने कदी उन्होंने भी सोचा कर कदी अपने तन ते 10,000 का लिबास पाण तो पहला किसी लोड़वंद की लोड़ वास्ते भी थोड़ा एहसास करना इत्थे इंसान पूरा होंदा ऐसा ना ना होए भी जस्ट मैं अपने वास्ते ये तो निज प्रस्तगी है ये तो पशु प्रवृत्ति दे विच चीज़ आउंदी है तू तो पशु नहीं तू तो मनुख है मनुख मनुख तो आले दुआले जुड़ के रहिंदा उस रूप में जिहड़ा हैगा वंड के खांदा आही धर्म है आही बिल्कुल सिक्खी की इको चीज़ आवेगी उस रूप दे विच बचन आया इहदा अहसास रखी इस अहसास नूं अपनी सुरत च पा के रखी इहदे तों बिना तेरी वाजबता नहीं होनी ये वाजबता होने वास्ते तेरे लिए लाजमी है कि तू इस चीज़ नूं अडोप्ट करें सो हसन दया खिलन दया पहनन दया खावन दया पांदया ते खांदया अपने आप नूं इस रूप में लैके जाना विच होवे मुकत परपज ऑफ लाइफ इहदे विच मुक्ति सैलवेशन इहदे च अपने आप नूं जिहड़ा हैगा मुक्त करन वास्ते तुरना इहदे अंदर थोड़ी जी डीप लैवल की बात करके वाइंड अप कर देना वा देखो जिहड़ा
गुरबाणी का पढ़न पठन पठन कर पढ़न पढ़ाण का सारा ढंग तरीका आ इस करके ताकि ये साड़ी जिंदगी कुछ समझ पैदा हो जाए। सरल एग्जाम्पल करदा आ, मेरे को कुछ साल पहले एक बच्चों का ग्रुप गुरमत फिलोसफी पढ़ता हूँ सीगा। असी गुरबाणी लिटरेचर की फिलोसफिकल साइड तो व्याख्या समझ रहे सीगे, मोस्टली हाई स्कूल के बच्चे या यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे सीगे। कितने कितने पेरेंट्स भी आ जाते क्लास में, तो उन्होंने पेरेंट्स ने कहना भाई साहब तुम हालांकि बच्चों बड़ा वधिया पढ़ा रहे हो पर समहाउ साढ़े भी कुछ सवाल ने, साढ़े भी कुछ सवालों का जवाब दे दिया करो। तो मैं क्या कोई ना टाइम बनावांगे असी इंट्रैक्शन करांगे। एक दिन की होया कि मेरे को गाहे बगाहे बड़े गुरमुख सज्जन, मतलब मैं ब्लैसड हाँ इस गलों मेनू संगत मिल जाती उन्हों की, तो मेरे को एक बड़े उमदा हाईएसट एजुकेटड साइकोलॉजिस्ट बड़े गुरमुख प्यारे वो आए, वो कुछ समा मेरे को ठहरे आके, तो वो आए तो समहाओ क्लास सी मैं नाल लै गया। मैं उदों ही कहा, मैं मैसेज भिजवाया सारे पेरेंट्स नूं भी ओके हुण टाइम बन गया, हुण तुसीं एक कम करो, हुण आओ तो अपना जिहड़ा इंट्रैक्शन करो इन्हां दे नाल आके, मतलब जिहड़े स्कॉलर बंदे आए ने साडे कोल। तो वो मापे आ गए, हुण जिवें मापे आए बड़े उन्होंने सवाल पुछे, बेसिक सवाल साडे जिहड़े सवाल हुंदे ने। उन्हें जो एक सवाल सीगा मां दा, वो साडे भैण जी, वो कहिंदे वी भाई साहब गल ये है कि ना सानू ये दसो भी बच्चों वध तो वध बाणी किवें पढ़ाईए, बच्चों वध तो वध बाणी किवें पढ़ाईए, ये सवाल है। तो भाई साहब कह लगे भी ये सवाल भैन जी तुहाडा मैं जवाब दे देना तुहानू, पर मेरा एक सवाल है इस तो पहला तुहानू जवाब, तुहाडा सवाल का जवाब देने तो पहला, बच्चों बाणी पढ़ाउणा क्यों चाहुंदे हो तुसीं? मेरा सिंपल सवाल है। वो कहिंदे जी भाई साहब सारे कहिंदे ने बाणी पढ़ाउणी चाहीदी है, तो इस करके मैं कहता। कहिंदे नहीं ये तो कोई वो जवाब नहीं प्रॉपरली, दसो बच्चों बाणी पढ़ाउणी क्यों चाहीदी है, क्यों पढ़ाउणा चाहुंदे हो? हुण आ बुनियादी सवाल है। मैं बाणी पढ़दा, मैं बाणी पढ़ के बाणी चों की खटिया है, जिन्हों वेख के बच्चे कहण कि डैड मैं भी आ ही खटना है, आया धर्म यह है जुगत। मैं बाणी पढ़दा जो बनिया वा, बच्चा मेरे वाल देखे तो कहे डैड आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, मैं उन्होंने कहा पुत आ जा, आई फोर्सफुली चेते रखा। जे एक एग्जाम्पल करदा, आ साढ़े सिरां ते पखे लगे ने, इन्हां नूं चलाण दे दो तरीके ने। एक तरीका आ लम्मा सारा डंडा लवो, कोई ब्रूम वगैरह फड़ो, ब्रूम का डंडा लवो, ये एक पर नाल ला लो तो घुमाओ, घूमेगा बहुत ही स्पीड नाल, नहीं घूमेगा हवा नहीं देगा पर घूमेगा। अच्छा किन्नी देर घुमाओगे? थक जाओगे। असी ज़्यादातर चीज़ा एवें चलाने डंडे नाल, अल्टीमेटली घुमाते घुमाते थक जाओगे, अक जाओगे। एक तरीका हो रहा पखा चलाण दा, वो पता की है, जिहड़ी इलैक्ट्रिक एनर्जी है वह लियांदी जाए, यदि मोटर प्रॉपर काम करे उहदे च पा के मोशन एनर्जी च कन्वर्ट करती जाए, जिवें इलैक्ट्रिक एनर्जी मोशन एनर्जी च कन्वर्ट होएगी ये पखा इन्नी स्पीड नाल चलेगा तुसीं अंदाज़ा नहीं ला सकते, हवा भी देगा। आ तरीके करता है जिहड़ा धर्म नाल जुड़न वाला आशा आ, ये साढ़े विचों हो के जाता है। मैं मापिया नूं कहिंदा हुंदा गुरुद्वारे आया करो, मत्था टेकया करो, अरदासां करया करो, इस करके कि बापू बड़ी वड्डी जिम्मेवारी दित्ती आ मां होण दी, पिता होण दी, दादा होण दी, दादी होण दी, नाना होण दी, नानी होण दी, तरस करी वो नभा सकां। मैं बच्चे दे विकास विच योगदान पावां, उहदे विनाश विच नहीं, मैं उहदे हसण दे विच योगदान पावां, उहदे रोण विच नहीं। आ चीज है भाई साहब, मां नूं पुछते मां बाणी क्यों पढ़ाउणी है, वो कहिंदी भाई साहब सारे कहिंदे ने मैं भी कहता, वो कहिंदे ना अपने आप नूं पुछ के आ पहिलां, जे तेनू पता होएगा, गुस्ताखी लई माफ़ी, मैं काउंसलिंग च रोज़ यो मंजर देखदा,
मापे कहणगे आके बच्चा गल नहीं सुनदा, मैं पूछांगा मैं क्या वाई आरंट लिसनिंग इन दैम, सुनदा क्यों नहीं तू? वो कहिंदा तू क्रेजी है, पागल है तू, की नहीं सुनदा पूछे इन्हां नूं, कैन कैन दे टेल इन फ्रंट ऑफ यू आई विल लिसन राइट वे। इत्थों फिर खेड शुरू होंदी असल दे विच, जिंदगी दे परपज नूं समझिए। तुसी इत्थे धरती नूं बदलन वास्ते पैदा नहीं होए। गुरु बाबा जी ने क्या सी, आपां उस दिन विचार कीती सी शाम दी विचार दे च, की होया ते कीकू होया, खप खप मोए सियाणे, ए तरह भावें क्यों जिंदे जिस रा पूर मुहाणे, भटकण छड लटकला इको खीवी हो सुखमाणे, होशां नालों मस्ती चंगी जो रखदी सदा टिकाणे। मस्त हो जा। तीन तरह के लोग ने धरती दे उत्ते, बहुत ज़्यादा लापरवाह, बहुत ज़्यादा परवाह, परवाह करने वाले परवाह रवादार, ते बेपरवाह। सिखी ने कहा ना तो लापरवाह बनना, ना बहुत ज़्यादा परवाह करने वाले फिक्रां दे चो, आ फलाना की कहेगा, लोग की कहेंगे, वो फलाना ना 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 मैं, तू की होना, तू बेपरवाह होना। ये जिहड़ी बेपरवाही है ये है वो मस्ती। पर्पज ऑफ लाइफ टू इंजॉय द बेपरवाही, है नहीं कमाल? पर होएगा तां नानक सतगुर भेटे हैं पूरी होवे जुगत। जुगत कहिंदे ने मैथड नूं, मैथडोलॉजी नूं, तरीकेकारता नूं। बच्चे नूं असीं कहिंदे आ ओए अपनी रोटी आप कमा, दैट्स नो सफिशियंट। रोटी कमाउणी किवें आ इहदी जात सिखा उहनूं। मेहणे ना मार बच्चे नूं, लोकी मेहणे मार दे, जदन अपना कमाएगा ना फिर पता लगेगा। ओ बीइंग ए पेरेंट दैट्स नॉट योर ड्यूटी, योर ड्यूटी इज टू टीच हिम हाउ टू डू इट। बाबा जी कहिंदे जुगत जुगत ढंग, महाराज यही सीखना है। बाबा जी कहिंदे नानक सतगुर भेटे हैं। इत्थों ही आउंदे कल शुरुआत करांगे क्योंकि समा समाप्त हो गया। ढाडी वीर आए ने ते गुना रिसाइट फ्यू ट्रेडिशनल ढाडी पोएम्स, यू गुना इंजॉय। थैंक यू वेरी मच बीइंग एन अटेंटिव लिसनर। सर्वण करने वास्ते धन्यवाद। भुलां गलतियां ना चतारियो जी, इत्थे समापन करते हाँ। आवाज़ाए फतेह दे के नवाजना एक बारी फिर कह देना जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।